हेलो दोस्तों, मैं प्रमिला दिया अपने चैनल यू एंड मी में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज फिर हाजिर हैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो आप दिवाली वाले दिन या छोटी दिवाली वाले दिन करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे बहुत ही प्रसन्न होगी। माता लक्ष्मी के साथ साथ आपके ऊपर भी जो कष्ट हैं, बीमारी हैं, उनसे भी आपको जल्दी ही निदान मिलेगा। पहला और महत्वपूर्ण कार्य आप क्या करें, यदि दोस्तों आपके घर में लंबे समय से बीमारी चली आ रही है तो दिवाली वाले दिन या छोटी दिवाली वाले दिन आप एक छोटा सा टोटका कीजिए। एक काला कपड़ा लीजिए, उसके अंदर 3 हल्दी की गांठ, 3 लौंग, 3 काले कपड़े के अंदर बांध लीजिए और बीमार व्यक्ति के ऊपर 7 बार वार कर इसे किसी सुनसान जगह पर छोड़ के आ जाइए। इससे आपको बीमारी से अवश्य ही छुटकारा मिलेगा। दूसरा और महत्वपूर्ण कार्य आप क्या करें, शहद लें और गंगा जल लें। उस गंगा जल के अंदर कुछ मात्रा में शहद मिलाएं और इसका छींटा अपने घर में चारों तरफ देना है। इससे आपके घर के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है वो घर से बाहर चली जाएगी। तीसरा और महत्वपूर्ण उपाय दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, दिवाली वाले दिन हिजड़े को हरी चूड़ी दान देने से आपका जो व्यवसाय है वो फलता और फूलता है। हिजड़े को दान देने से दोस्तों हरी चूड़ी अगर आप दिवाली वाले दिन दान में देते हैं तो आपका जो व्यवसाय है वो फलता और फूलता है। दोस्तों अगला और महत्वपूर्ण उपाय, आप दिवाली वाले दिन क्या करें, एक गिलास में पानी ले या बाल्टी में पानी ले, सेंधा नमक ले और नींबू ले। उस बाल्टी के पानी में आप थोड़ा सा 1 चम्मच सेंधा नमक डालें और 1 नींबू निचोड़ कर अपने घर में पोंछा लगाने से घर के अंदर जो वास्तु दोष है वो दूर हो जाएगा या नकारात्मक जो ऊर्जा है वह चली जाएगी। दोस्तों ये जो कुछ कार्य मैंने आपके साथ शेयर किए हैं उनको आप छोटी दिवाली वाले दिन करते हैं तो आपके घर के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है या वास्तु दोष है वो आपके घर से चला जाएगा और आप खुशियों भरा या यह त्योहार अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ मनाएंगे। ऐसी और भी महत्वपूर्ण जानकारियां लेने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपका कोई कमेंट है तो नीचे बॉक्स में छोड़ सकते हैं। थैंक यू।